अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज वकार हसन। आज मैं बात करूंगा आपसे आपकी राइटिंग की, और मैं आपको वजह बताऊंगा कि आप में से कुछ बच्चे राइटिंग में वीक क्यों हैं और कुछ बहुत अच्छे क्यों। ये बात हम शुरू करेंगे एक छोटी सी कहानी से, और कहानी है मसल्स की। जिस तरह आपके बॉडी के मसल्स डेवलप करते हैं टाइम के साथ, इसी तरीके से आपके ब्रेन के मसल्स भी होते हैं। आप ब्रेन बॉडी इनके जो मसल्स होते हैं, इन पे आपने काम अगर नहीं किया या इनको अगर आपने स्ट्रेंथ नहीं दी तो ये वेट नहीं उठा सकते। बॉडी के मसल्स में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो वेट नहीं उठा सकते। ब्रेन के मसल्स में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो आइडियाज नहीं उठा सकते। अच्छे आइडियाज की बात कर रहा हूँ। तो इससे ये बात सामने आई कि अगर आप इनके ऊपर काम नहीं करोगे तो आपको फेस करनी पड़ेगी मुश्किल, जो कि बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं राइटिंग करते वगैरह। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक छोटी सी जो कहानी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये उस कहानी का एक हिस्सा और आ गया कि आप ये जो मैं आपको ड्यूरेशन बताना चाह रहा हूँ, ये मैं नंबर ऑफ आवर्स में बता रहा हूँ। एक बच्चा है, उसके 10 आवर्स हैं, दूसरे के 20 आवर्स हैं, तीसरे के आवर्स 300 आवर्स हैं राइटिंग में। तीन बच्चे, तीनों ने मुख्तलिफ आवर्स स्पेंड किए हैं राइटिंग में। जिसके 10 घंटे हैं उसके ब्रेन की मसल्स ट्रेन नहीं हुए, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। जिसके 20 घंटे हैं उसके कंपैरेटिवली ब्रेन के मसल्स थोड़े बेहतर बन चुके हैं, लेकिन जिसके 300 घंटे हैं उसके ब्रेन की मसल्स इन दोनों से बेहतर है। तो जाहिर बात है ये बच्चा इन दोनों से बेहतर परफॉर्म करेगा जब वो राइटिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रेन में वो एबिलिटी जनरेट होगी, उसके मसल्स बन गए कि वो आइडियाज को उठाएं और रिप्रोड्यूस करें और आपको क्रिएट करके दें किसी भी टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी बात में लैग करते हैं, उनकी जिंदगी में नंबर ऑफ आवर्स राइटिंग के इतने ज्यादा नहीं ऐड हुए होते, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनके ब्रेन के मसल्स नहीं बने होते। बिल्कुल उस शख्स की तरह जिसने अगर बॉडी के मसल्स पे काम नहीं किया तो उसके आपको मसल्स की स्ट्रेंथ इतनी नहीं फील होगी, ना आप उसके मसल्स इतने बने हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से ब्रेन के मसल्स भी नहीं बनते अगर आप नंबर ऑफ आवर्स इस प्रोसेस को ना दे। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम राइटिंग में वीक हैं, तो वो अपने आप में बहुत डाउन फील करते हैं, वो अपने आप में इंफेरियोरिटी कम्प्लेक्स फील करना शुरू कर देते हैं कि मैं बाकी से अच्छा नहीं ले सकता। हकीकत ये होती है कि जो नंबर ऑफ आवर्स का फर्क होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते और राइटिंग प्रोसेस में वो मुसलसल मार खा रहे होते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप ब्रेन के मसल्स पे काम करें। अब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोसेस कि आप कैसे काम करें। अगर आपने अपने ब्रेन के मसल्स पे काम करना है तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज़ जरूरी है आपकी रीडिंग, और दूसरी चीज़ जरूरी है इसके लिए आपकी राइटिंग। अब इसमें बहुत सारे बच्चे फिर मार खाते हैं क्योंकि वो रीडिंग नहीं करते डेली बेसिस पे, और राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करते। साल में 5-10-15 ऐसे लिख लेना या 15-20 आर्टिकल पढ़ लेना, ये कोई हेल्प नहीं करता जब तक आप इसको एक हैबिट ना बना लो, और जब तक आप हैबिट ना बनाओ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप राइटिंग प्रोसेस में अगर परफॉर्म करना चाहते हैं या अगर आप राइटिंग प्रोसेस में अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी हैबिट। और हैबिट होती है कि आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट कर लें, उसको एक रूटीन का हिस्सा बना लें और उसको कभी क्विट ना करें। और अगर आप चेंज लाना चाहते हैं अपनी राइटिंग में तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को चेंज नहीं करते और वो रिजल्ट्स को चेंज करने की बात कर रहे होते हैं, और रिजल्ट तब तक चेंज नहीं होते जब तक आप अपनी हैबिट्स को चेंज ना करें। पुरानी हैबिट्स से नए रिजल्ट्स को हासिल करने की ख्वाहिश करना एक बेवकूफ़ी होती है। अगर आपने डिफरेंट रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो आपको अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है और नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो आप राइटिंग में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छे नॉवल्स पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, उसके बाद आप एक रूटीन बनाएं और उनको रिप्रोड्यूस करें या अपनी किसी थॉट को जनरेट करने की कोशिश करें, पेपर के ऊपर लिखने की कोशिश करें, ताकि आपके ब्रेन के मसल्स में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आए और उनमें कुछ स्ट्रेंथ ऐड हो, और वो जितना ज़्यादा लिखते जाएंगे उनमें स्ट्रेंथ ऐड होती जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स
राइटिंग प्रोसेस को नहीं समझते, वो सिर्फ राइटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। चूंकि शुरू के दिनों में आपके ब्रेन उसको एडॉप्ट नहीं कर रहा होता, तो वो रिजिस्ट करता है और आप वहीं पर छोड़ देते हैं। इस काम को, इस चीज को अचीव करने के लिए मुसलसल काम करना जरूरी होता है। एक टाइम आता है आपका ब्रेन, वो उसको एक आदत बन जाती है लिखने की, उसको एक आदत बन जाती है, उसको फील ही नहीं होता कि वो लिख रहा है। वो टाइम आते आते बहुत सारे स्टूडेंट्स रास्ते में रुक जाते हैं, मंजिल से दूर चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये प्रोसेस टाइम लेता है। तो आज ही अपनी हैबिट्स बदलिए, राइटिंग प्रैक्टिस में आने के लिए राइटिंग स्टार्ट कीजिए, और इस बात को जहन में रखिए कि रिजल्ट्स टाइम के साथ आते हैं। कुछ दिन में नहीं आते, कुछ हफ्तों में नहीं आते, इसके लिए सालों भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है बचपन से अब तक आपने कितना काम किया अपने ब्रेन के मसल्स पे। अगर आपने काम नहीं किया आज तक, आज स्टार्ट करें, क्योंकि कभी भी देर नहीं होती और कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आज स्टार्ट करें, हिम्मत ना हारें, रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। Thank you.